एक सुहाना सा दिन था। मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और तभी अचानक मेरे फ़ोन पर ये नोटिफिकेशन आता है। इसे देखते ही मेरा दिल इतनी तेज़ी से उछलता लगता है जैसे मैं बेड से कूद जाऊं। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं अपना 100 सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो कैसे बनाऊं। तभी मेरे दिमाग में एक अपनी स्टोरी टाइम आती है याद, और मैंने सोचा क्यों ना इसी को लेकर बनाया जाए। तो ये बात है क्लास 8 की। एक हॉलीडे के बाद हम स्कूल जाने वाले थे एंड काफ़ी सारे होम असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट वर्क्स मिले थे। सब कुछ मेरा कंप्लीट था एंड मेरे बायो का प्रोजेक्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। उस दिन थर्सडे था एंड थर्सडे को हमारे बायो होता था। मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई, अपना प्रोजेक्ट लेके बस में चढ़ गई। फिर मेरे बस में एक दीदी थी जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी। मैंने उन्हें वो प्रोजेक्ट दिखाया। उन्होंने कहा प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा औसम है, बट कलर थोड़ा सा डल लग रहा है क्योंकि ये सूखने के बाद काफ़ी दिन से रखने पर वो थोड़ा सा डल हो जाता है, दैट्स वाई। तो मैंने कहा हाँ, मैंने बहुत दिन से बना के रखा हुआ था घर में, तो थोड़ा सा इस वजह से लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा था। तो मैंने सोचा मेरे पास क्लास में काफ़ी टाइम है क्योंकि 4th पीरियड में जो था बायो था एंड उसके पहले 3 पीरियड थे मेरे पास, मैं कर सकती हूँ एंड कलर ही तो करना है, क्लास में जाके कर लेंगे। फिर काफ़ी टाइम बीत जाता है, हम लोग क्लास में जाते हैं, 1st पीरियड यूँ ही बीत जाता है क्योंकि आई एम द मॉनिटर ऑफ माई क्लास एंड या मेरी क्लास जो थी अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा हल्ला करने वाली क्लास थी एंड अपने क्लास को संभालने में मुझे 1 पीरियड पूरा चला गया क्योंकि उस दिन मेरे सर तो आ गए थे, बट या ऑफकोर्स 1st पीरियड में लॉग रजिस्टर वर्क, दिस वर्क, दैट वर्क सब करना पड़ता है एंड क्लास को संभालना ही पड़ता है जब तक सर ना आए, एंड हर पीरियड में सर के जाने के बाद भी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मैंने सोचा क्यों ना बाद में बना लेंगे। अब टाइम आता है 2nd पीरियड का। 2nd पीरियड शुरू हुआ, मैम आ गई, मैम ने देखा सब कुछ, पढ़ाई शुरू हो गई। मैम से बचते बचाते मैं किसी तरीके से जल्दी जल्दी उसमें धीरे धीरे अंदर अंदर कलर कर रही थी। मैम से आई कांटेक्ट भी नहीं हटना चाहिए। सब पूरा पीरियड बीत गया, थोड़ा ही सा कलर हुआ एंड ऑफ कोर्स मुझे फिर से जाना पड़ा अपनी क्लास को संभालने के लिए। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर से दोबारा से गई अपने क्लास को हैंडल करने लगी। एंड हमारे यहाँ रूल है कि आप टीचर डेस्क पे कुछ भी रख के नहीं कर सकते हो। हाँ, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो कर लो, ऐसे नहीं कर सकते हो। और मैं अगर अपना प्रोजेक्ट टीचर डेस्क पे रख के करती तो सभी देख लेते यार, और जिस बच्चे ने नहीं बनाया होगा वो बहाना बना लेता कि मैम कल ले आऊँगा और वैसे कॉपी करके बना के ले आता। दैट्स वाई मैंने टीचर डेस्क पे रख के नहीं बनाया एंड अंदर ही अंदर काम चल रहा था धीरे धीरे। और तभी मुझे सडनली याद आता है कि मैंने अपने बायो का एच ए नहीं किया, एच ए मीन्स होम असाइनमेंट। और ये भी मुझे वॉइस मॉनिटर ने याद दिलाया, उसने कहा कि 4th पीरियड में कॉपीज तुम कलेक्ट करोगी या मैं कलेक्ट करूँगा। एंड तब मुझे याद आया कि मैंने अपने बायो का एच ए नहीं बनाया है। अब मैंने क्यों नहीं बनाया है, इसके पीछे बहुत बड़ा कोई रीज़न नहीं था। मैम ने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए थे जो कि आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट वो कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा ट्विस्टेड था ना कि बहुत से बच्चे जो थे डिस्टर्ब थे कि क्या आंसर होगा, दिस या दैट। मतलब जो ऑप्शन थे ना उसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज थे। तो मैंने सोचा था यार मैम जब आंसर बता देंगी तभी कर लेंगे। एंड अब टाइम था कि मैं जल्दी से जल्दी बायो का एच ए भी कम्प्लीट करूँ। 50 क्वेश्चंस थे और मेरे पास सिर्फ टाइम था 2 पीरियड का। जल्दी जल्दी मैं सोचती हूँ यार हो जाएगा, आई एम अ मल्टी टास्किंग पर्सन, मैं कर लूँगी। एंड इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी अपना कलर करने लगती हूँ पहले प्रोजेक्ट को, कलर हो जाता है एंड नाउ अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 पीरियड का टाइम था एंड टाइम काफ़ी कम था क्योंकि अभी भी मैम आ चुकी थी 2nd पीरियड वाली, अपना बनाने शुरू कर देती है। मैं धीरे धीरे नीचे अच्छे भी बना रही हूँ, कभी कभी टाइम मिल रहा है तो कलर कर ले रही हूँ। सब उसी में मैशअप होके बस चलते जा रहा है किसी तरीके से, क्योंकि काम रुकेगा तो टाइम की कमी है, काम गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए बस काम चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। एंड मैं किसी की हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि मेरे बगल वाली भी अपना कोई अच्छा बना रही थी, मेरी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मुझे किसी से हेल्प नहीं चाहिए थी। टाइम चलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है एंड टाइम आता है 3rd पीरियड का। मैम चली जाती हैं, सारे बच्चे दोबारा से हल्ला करने लगते हैं, जाओ जाके संभालो। टीचर डेस्क पे मैं खड़ी होती हूँ, सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है कि तभी तभी अचानक एक आवाज़ आती है। प्लीज तुम मेरे भाई के लिए एक एप्लीकेशन लिख दोगी? मैंने कहा हाँ ज़रूर लिख दूंगी, नेक्स्ट पीरियड में या फिर 5th पीरियड में, मेरे पास अभी क्योंकि बहुत काम है। तो वो कहती है नहीं यार, मेरे भाई का 5th पीरियड में छुट्टी हो जाएगा क्योंकि वो क्लास 1 में, और हमारे यहाँ जो क्लास 5th के नीचे के बच्चे थे उनका जल्दी छुट्टी था। आई वॉज टोटली शॉक्ड यार, मीन्स मुझे 4th पीरियड के पहले लिख के देना पड़ेगा क्योंकि 4th पीरियड के पहले जब वो सबमिट नहीं करेगी तो मैम उसे कैसे छुट्टी देगी 5th पीरियड के पहले। खैर तो मुझे उसके लिए एप्लीकेशन लिख के देना था एंड मेरे पास अब हो चुके थे 3 3 काम एंड या 3rd पीरियड अभी भी चल रहा है और नेक्स्ट पीरियड में ही बायो है। आई एम टोटली कन्फ्यूज कि अब
क्या, क्योंकि प्रोजेक्ट हो चुका था, बस एचए बाकी था एंड उसका वो भी बाकी था। मैंने उसे हाँ तो बोल दिया, बट अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि ये हाँ नहीं है, ये ना है। लेकिन फिर भी उसने मुझे पेज दिया लिखने के लिए कि लिख दो। मैं वो भी लिख रही हूँ, क्लास भी संभल रहा है, मैम भी आ गई थी। उसके बाद मेरी मुझे अपने बेंच पार्टनर की याद आती है, अरे मेरी बेस्ट फ्रेंड, और जिसने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं स्टोरी टाइम के, उन्हें पता होगा हम पांच बेस्ट फ्रेंड्स का एक ग्रुप है। सो हमारा हर वक्त ना ऐसा नहीं होता कि सब एक ही साथ बैठेंगे, ऐसे रोटेशन कर करके बैठते रहते हैं। एक दिन किसी के साथ कोई बैठ जाएगा पाँचों में से, एक दिन किसी के साथ कोई बैठ जाएगा पाँचों में से, ऐसा ऐसा करके हम लोग बैठे रहते हैं। और मेरे साथ उस दिन बैठी थी मेरी बेस्ट फ्रेंड, जिसे हम लोग प्यार से बोलते हैं पांडा, और वीडियो में भी आगे में से पांडा ही बुलाएंगे। तो पांडा भी अपना बैठ के एचे बनाई थी बहुत देर से, तो बेचारी का हाथ भी बहुत दुख रहा था। बट फिर भी मैंने उससे रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ बहन, प्लीज़ दोस्त, प्लीज़ यार, प्लीज़ भाई, बना दे बना दे बना दे। एंड फाइनली वो मान गई, उसने कहा ठीक है मैं तेरा एचए बना दूंगी बायो का। एंड फिर जल्दी से मैंने एप्लीकेशन लिया, मैं एप्लीकेशन लिख रही हूँ, और इंग्लिश का एक लास्ट क्वेश्चन भी बच गया था वो भी लिख रही हूँ। बट उसके इतने इतना ही बोलते कि ठीक है मैं तेरा बायो का एचए बना दूंगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मुझे एक सपोर्ट फील हो रहा था कि हाँ चलो कोई है, मेरा हेल्प हो जाएगा। लेकिन फिर आगे जल्दी जल्दी उसने मेरा बना दिया। 9th क्वेश्चन तक मैंने बायो का कर लिया था, 15th क्वेश्चन थे बड़े बड़े, सो उसने आगे मेरा बना दिया। थैंक यू सो मच पांडा, अगर तू ये वीडियो देख रही है तो। और या तो आगे ये सब हो गया, और उस दिन मुझे लगा कि मल्टीटास्किंग होना अच्छी बात होती है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार लो। हम सब सोशल एनिमल्स हैं, और हम सबको किसी ना किसी की हेल्प चाहिए ही होती है, और इसीलिए जब हेल्प चाहिए तो हेल्प मांग लो, क्योंकि हम गॉड नहीं है, हमारे पास 50 हाथ नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। एंड या मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि हमें भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, और जब पड़ती है तो हेल्प ले लेना चाहिए, चाहे इंसान कितना भी ज़्यादा ही मल्टीटास्किंग क्यों ना हो, कितना भी ज़्यादा परफेक्ट क्यों ना हो, उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और मेरी भी हेल्प आप लोगों ने की है 0 से 100 तक पहुंचाने में। मैं 25th सब्सक्राइबर पे जो थी हार मान गई थी, गिव अप करने का मन था, बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं करते हैं करते हैं, और फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। 0 से 100 तक का जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल था। और यार ये स्टार मेकर वाले ना पागल करके रख देंगे, मेरा जेंडर इसमें मेल किसने डाल रखा है यार। सुर ताल चेक करने के लिए मैंने ऐप के डाउनलोड किया, ये लोग तो गला पकड़ के पीछे हैं, आबला पकड़ गला। एंड पांडा अगर तू ये वीडियो देख रही है, आई होप अगर तू ये वीडियो देख रही है तो ये दिल से थैंक यू यार। अगर तू नहीं होती उस दिन ना, तो आई नो मैंने जिस दलदल में अपना पैर डाला था उसमें मैं अंदर ही अंदर घुसते चल जाती। एंड आप सबको बहुत बहुत थैंक यू इतना सपोर्ट के लिए। एंड जब मेरे 82 सब्स हुए थे ना, और मैं कहीं और थी, तो मेरा दिल ऐसे एकदम जोर जोर से धक धक कर रहा था कि 100 होने पर कैसी फीलिंग आती है, और आपने कहा फेस रिवील कर दो, तो या टाइम आने पर ये भी कर देंगे, बट उसके पहले तक आप लोग इसी फेस के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लो यार। और अगर आप लोगों ने जल्द से जल्द मेरे को ढेर सारा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करा, तो मे भी फेस रिवील जल्दी हो जाएगा। एंड आप लोगों के कमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए, तो कमेंट भी करती रहा करो, लाइक भी कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। एंड थैंक यू गाइस सो मच फॉर 100 सब्स। मे बी इन फ्यूचर अगर आप लोग ऐसा ही सपोर्ट रहा और बहुत सारे सब्स भी हो गए ना, तो 100 वाली फीलिंग नहीं आ पाएगी दोबारा।